हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ गूगल एड्स में किस तरह से पेमेंट को ऐड किया जाता है। तो मोबाइल के जरिए आपको गूगल एड्स में पेमेंट ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं मेरा गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा गूगल एड्स अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, तो इसे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गूगल एड्स अकाउंट जो है ये ओपन हो चुका है। तो मैंने कुछ कैंपेन रन किए थे, आप देख सकते हो। ओके, तो कुछ कैंपेन को मैंने रन किया था और पेमेंट भी मैंने पहले किया था। तो ये सब पेमेंट किस तरह से कैंपेन रन करते हैं, ओके, तो ये सभी वीडियोस मैंने बनाया है। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको मैं किस तरह से पेमेंट को ऐड किया जाता है, अगर आप फिर से पेमेंट ऐड करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से किस तरह से पेमेंट ऐड करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको बिलिंग में जाना पड़ेगा। ओके, तो बिलिंग में आपको बिलिंग समरी में जाना है। ओके, तो यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे हमारा जो पेमेंट्स है वो हम देख सकते हैं, हमारा अभी कितना फ़िलहाल पेमेंट हमें दिखा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 223 रुपये यहाँ पर पेमेंट है। तो फिर से मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो 223 रुपये है। तो यहाँ पर फिर से मैं पेमेंट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेकअप पेमेंट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम मेकअप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो भी पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो पेमेंट मेथड में मैंने यहाँ पे फिलहाल बैंक अकाउंट को ओपन करके रखा है। तो सिक्योरिटी कोड हमें जो देना है, फिर से जो भी पेमेंट सेट करना चाहते हैं वो पेमेंट की अमाउंट दे दीजिए। मैं 1200 रुपये ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ से 1200 रुपये हम ऐड कर देते हैं। ये जो मेरी पेमेंट मेथड है वो डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें सिंपली मेकअप पेमेंट कर देना है। ओके, तो डेबिट कार्ड के जरिए आप इस तरह से पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेकअप पेमेंट करते हैं। जैसे हम मेकअप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी कोड आएगा एक, हमने जो भी मोबाइल नंबर दिया है बैंक अकाउंट में उस पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा। ओके, तो आप इस कोड को यहाँ पर OTP जो भी आपकी जनरेट हुई है, ओके, तो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए OTP को। जैसे हम यहाँ पे OTP जो है वो यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, जिसका मैसेज हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैसेज आ चुका है 24 आवर्स। यहाँ पे अगर पेमेंट आपकी ऐड नहीं होती तो 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती है। ओके, तो इसके रिलेटेड आप यहाँ पर मैं रिफ्रेश फिर से, आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो ऐड हो चुकी है। ओके, तो 1200 रुपये हमने फिर से ऐड किए हैं, तो ये ऐड हो चुका है। और पेमेंट जैसे ही ऐड होती है तो यहाँ पे हमें गूगल एड्स की जो ईमेल आईडी है, ओके, जो हमें ईमेल भी आ जाता है कि गूगल एड्स में आपका जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुका है। तो वो ईमेल जो है वो आप देख सकते हैं, गूगल पेमेंट्स हमें ईमेल भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड का ईमेल भी आ चुका है। तो इस तरह से आप गूगल एड्स में पेमेंट ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप मोबाइल के जरिए भी गूगल एड्स में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।